हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल जमाल इलेक्ट्रिशियन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायग्राम 8x10 के वोल्ट का। इसमें हमने चार सॉकेट, 5 स्विच और एक इंडिकेटर, एक होल्डर के साथ डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हम आपको कनेक्शन बताएंगे किस प्रकार से हमें कनेक्शन करना है इसके। ये हमारे न्यूट्रल है, ये फेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है और इस डायग्राम में ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ये हमारी मेन वायर हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे। ये हमारे न्यूट्रल पॉइंट हैं। ये हमारे एल है, फेस। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से न्यूट्रल ले लिया और इस होल्डर में दे दिया और यहीं से न्यूट्रल लेके इसमें दे दिया, यहीं से उठाया न्यूट्रल को इसमें दे दिया और यहीं से सारे एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट में न्यूट्रल देना है। ये दे दिया हमने, इसमें जितने भी सॉकेट हैं सब में न्यूट्रल देना है हमें। ये सब में हमने न्यूट्रल दे दिया है। अब आपको साफ दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम में ये क्या नाम हमारा आयल है, फेस। तो इसको हम सारे स्विच जो हैं हमने लगाए हैं, सारे स्विच में देना है हमें इसको। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सब पहले ये हमारे 4 स्विच यहाँ पे इकट्ठे हैं, इनको हम कनेक्ट कर लेंगे आपस में। इनके नीचे वाले टर्मिनल में देना है हमें, ये यहाँ से ऐसे गया और यहीं से हमने इसको ये कनेक्ट कर दिया है और हमें इसको फेस में पहुंचाना है। तो ये हमारा फेस में पहुंच गया फ्रेंड्स, ये हमारा फेस में पहुंच गया है। अब ये स्विच में जो एक एक पॉइंट बचे हुए हैं, सबसे पहले इसके भी फेस, इसमें भी, इस स्विच में भी हमें फेस पहुंचाना है। तो ये यहीं से उठा के हम इसमें पहुंचा दिया। न्यूट्रल तो हमारा यहाँ से आ गया इसमें होल्डर में और फेस हमारा स्विच से चला जाएगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेस बल्ब जल जाएगा, होल्डर में करंट पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे न्यूट्रल फेस पहुंच गए हैं और ये सॉकेट में जो एक एक टर्मिनल बचे हुए हैं और इस स्विच में, अब हम इनको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से इस सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इस स्विच में कनेक्ट कर दिया, इस सॉकेट को इस स्विच से और इस सॉकेट को इस स्विच से। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है वायरिंग करना, कोई कठिन नहीं है। बस ये देखना है कि हमारे दोनों वायर जो है, न्यूट्रल और फेस, आपस में कहीं पर टच ना हो। ये हमारा क्या नाम, फेस हो गया है। तो फ्रेंड्स, वायरिंग हमारी हो गई। हमारा इंडिकेटर, ये हमारा इंडिकेटर था, यहाँ से हमने क्या नाम फेस निकाल लिया, नीचे टर्मिनल से, ऊपर से न्यूट्रल। न्यूट्रल एक हमने होल्डर में दे दिया और फेस हमने स्विच से ले लिया होल्डर के लिए। तो हमारा होल्डर भी चालू हो गया और हमारे सॉकेट भी सारे चालू हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।